हेलो दोस्तों मैं हूं सत्येंद्र और स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में इवोल्यूशन पृथ्वी पर जीवों के विविधता के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यह उनके बीच यूनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है इवोल्यूशन एक पॉपुलेशन के एलिड फ्रीक्वेंसीज में चेंजिंग है और जो समय के साथ साथ न्यू और मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पॉपुलेशन को भी फॉर्म करता है इवोल्यूशन का एक मैकेनिज्म जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं यह एक ऐसा पावरफुल फोर्स है जो पॉपुलेशंस को अपने एनवायरमेंट के अनुकूल बनाता है

हालांकि इन बोन्स में बहुत सारे मोडिफिकेशन हैं लेकिन वे इस फैक्ट को उजागर करते हैं कि ह्यूमंस, पर्पसेस और अन्य मैमल्स एक कॉमन एनेसेस्टर को शेयर करते हैं कंपेरेटिव एनाटॉमी हमें पृथ्वी के इवोल्यूशनरी पास्ट को एक साथ जोड़ने में मदद करती है डिफरेंट स्पीसीज के इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट को समझने के लिए साइंटिस्ट डिफरेंट टाइप्स के डेटा का उपयोग करते हैं ऐसे एनवायरमेंट में जहां डिकम्पोजिशन फोर्स कम हो जाती है वहां ऑर्गेनिजम्स के मरने पर उनके बॉडी के हार्ड पार्ट जैसे कि बोन्स और टूथ को फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व किया जा सकता है फॉसिल से हम यह जान सकते हैं कि आज से लाखों साल पहले ऑर्गेनिज्म कैसे दिखते थे हॉर्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री फॉसिल्स रिकॉर्ड को समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हॉर्स के इवोल्यूशनरी ट्रीज में बहुत सारे ब्रांचेस थे लेकिन आज हॉर्स की केवल एक ही स्पीसीज एग्जिस्ट करती है मॉडर्न हॉर्स का इवोल्यूशन लगभग 56 मिलियन ईयर पहले नॉर्थ अमेरिका में इपॉक में शुरू हुआ था इसमें पहली एक के आकार जिसका नाम या था यह छोटी गर्दन शॉर्ट मजल शॉर्ट लेग और लंबी पूंछ के साथ एक कुत्ते जैसे लगते थे इसका हाइट फोर्टी सेंटीमीटर से भी कम था इसके फोर लिम्स में चार और हैंडलिम्ब्स में तीन नेल डिजिट था इोहिपस मासी एरिया में रहता था और ग्रासी वेजिटेशन को खाने के रूप में इस्तेमाल करता था इसके बाद मेजो हिपस लगभग तीन करोड़ साल पहले ओलिगोसिन के दौरान हायराकोथेरियम यानी कि से इवॉल्व हुआ था मेजो का आकार मॉडर्न सिप के जैसा था इसके सभी लिम्स थ्री नेल डिजिट थे लिम्स के मिडिल डिजिट और की तुलना में बड़े होते थे और इसके साथ इनके मोलर में कुछ सेरेशन होते थे मीजो के बाद लगभग दो करोड़ साल पहले मियोसिन में मेजोहिपस से मेरी का एवोल्यूशन हुआ था इसके लिम्स में भी तीन डिजिट थे जिनमें से मिडिल दूसरे की तुलना में अधिक लंबा था लेकिन इस डिजिट में नेल के बजाय एक हूब था और केवल यही डिजिट जमीन को टच कर सकता था और पूरे शरीर को सहारा दे सकता था रिमेनिंग डिजिट यूजलेस और रिड्यूस हो गए थे और ये जमीन को भी नहीं छूते थे हॉर्स के इवोल्यूशन के अगले स्टेज में प्लियोस लगभग 50 लाख साल पहले मेरी चिपस से विकसित हुआ था प्लियोस आज के म्यूल से कुछ बड़ा था इसके लिम्स में एक सिंगल हुब डिजिट था बाकी डिजिट स्मॉल स्प्लिंट बोन में रिड्यूस हो गया था इसके लंबी होती थी और साथ ही इसमें वेल डिवेप सीमेंट और सेलेशन भी था इसके बाद मॉडर्न हॉर्स या इक्वस का इवोल्यूशन लगभग 9 से 10 लाख साल पहले नॉर्थ अमेरिका में के दौरान प्लियो से हुआ था यह ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर पूरी दुनिया में फैल गया इसकी हाइट लगभग 1.5 मीटर होता था इसकी गर्दन लंबी और मोलरटिथ डेवलप होता है इसकी लिम्ब सिंगल हुप डिजिट होते हैं और बाकी डिजिट डिसअपियर होते हैं इस प्रकार हॉर्स के इस इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में हाइराकोथेरियम से लेकर प्रेजेंट डे हॉर्स यानी कि इक्वस तक इनके आकार में वृद्धि टांगों का लंबा होना बाई और दाई उंगलियों का क्रमशः कम होना और बीज की उंगली का हुप्स में बदलना ये मेन चेंजेस है इसके अलावा दुनिया भर में स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न भी इवोल्यूशन के क्लू प्रोवाइड करते हैं एग्जाम्पल के लिए हवाई आइलैंड के पक्षियों को देखें तो हमें पता चलेगा कि इस आइलैंड पर प्रेजेंट लगभग सभी बर्ड्स आकार में छोटे होते हैं जिसे हनी क्रीपर्स कहा जाता है हनी क्रिपर्स की एक स्पीसीस में एक लॉन्ग कर्ब्ड बिल होता है जो कि फ्लावर से नेक्टार लेने के लिए डेवलप हुई है जबकि दूसरे हनी क्रिपर्स में एक स्ट्रॉन्ग बिल्स होता है जो फूड सर्च में बाग को लिफ्ट करने में इस्तेमाल होता है इसके अलावा दूसरे हनी क्रिपर्स बिल्स का यूज सीजर्स की तरह फ्लोरल बर्ड को ओपन करने के लिए करते हैं हालांकि ये पक्षी डिस्टिंक्टली रिलेटेड दिखाई दे सकते हैं लेकिन मालिकुलर एविडेंस दर्शाता है कि वे वास्तव में क्लोजली रिलेटेड हैं और एनसेस्टर की तरह एक पिंच साझा करते हैं जो कि प्रोबेबली 2000 माइल दूर मेन पर हुआ था जब उनके ancestor इस आइलैंड पहुंचे तो उनमें बहुत सारे न्यू कैरेक्टर डेवलप हुए और इन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन पक्षियों की अलग अलग स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ इन डिफरेंट स्पीसीज के बीच डीएनए कंपैरिजन भी इवोल्यूशन का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है यदि इन एनिमल्स के बीच हेमोग्लोबिन मॉलिकल्स के जिन की तुलना की जाए तो ह्यूमन और रिसस मंकी के बीच हेमोग्लोबिन का यह डिफरेंस कंपरेटिवली कम है दोनों में अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस लगभग एक समान होती है वहीं दूसरी तरफ लैम्प्रे और ह्यूम के हेमोग्लोबिन में बहुत सारे डिफरेंस दिखते हैं इस प्रकार के स्टडीज से बायोलॉजिस्ट इस बात का अनुमान लगाते हैं कि कोई दो स्पीसी के एंसेस्टर कितने साल पहले एक ही थे फाइनली फाइनलीबोरेटरी ऑर्गेनिजम्स या फील्ड स्टडीज के प्रयोगों को डिजाइन करके हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बहुत छोटे पैमाने पर हो रहे इवोल्यूशन को डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं कंपेरेटिव एनाटॉमी फॉसिल्स रिकॉर्ड बायोजियोग्राफी मालिकुलर बायोलॉजी और लैबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट से हम इवोल्यूशन को स्टडी कर रहे हैं और जीवन के इतिहास को एक साथ जोड़ रहे हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इवोल्यूशन से जुड़ी कुछ बेसिक नॉलेज समझ में आई होगी दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें